अमेरिका ने टिकटॉक और वीचैट पर लगाया बैन। चीन का आरोप परेशान कर रहा यूएस। अमेरिका चीन में जंग का खतरा। इस इलाके में रूस भी भेज रहा अपनी सेना। भारत ही नहीं ताइवान को भी जंग की धमकी दे रही चीनी मीडिया। बोली आग से खेल रहा यूएस। सिंध नदी जल बंटवारे को लेकर हुए समझौते को आज 60 साल हुए पूरे। इमरान के चहते मौलाना ने कहा कॉलेज में आग और पेट्रोल के साथ रहेंगे तो बलात्कार ही होंगे। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 3 कंपनियां क्लिनिक ट्रायल की एडवांस स्टेज में हैं। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों ने पत्र लिखकर BMHRC पर लगाया लापरवाही का आरोप। संसद के मानसून सत्र पर कोरोना का साया। करीब 1 हफ्ते पहले खत्म किया जा सकता है सत्र। जयपुर में बेटे और पत्नी सहित आभूषण कारोबारी ने लगाई फांसी। लोन माफिया से था परेशान। लॉकडाउन से हुई आर्थिक तंगी ने ली पूरे परिवार की जिंदगी। 2 बेटों के साथ माता पिता ने भी किया सुसाइड। राजौरी में हमले की फिराक में आए 3 कश्मीरी आतंकवादी गिरफ्तार। हथियार भी बरामद। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा खत। कहा बहुत परेशान है यूपी का युवा। काट रहा है कोर्ट कचहरी के चक्कर। देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने ग्राहकों को दिया बड़ा उपहार। सरकारी खरीद में जैसे को तैसा नियम लागू। भारतीय कंपनियों को मिलेगी प्राथमिकता। चीन को लगा झटका। IIIT के छात्रों ने आम आदमी के लिए बनाई सस्ती वेंटिलेशन डिवाइस। प्रतिदिन खर्च होंगे मात्र 15,000 रुपए। कंगना रनौत के सॉफ्ट पॉर्न स्टार वाले बैन के बाद उर्मिला मातोंडकर ने किया ट्वीट। सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत का थ्रोबैक। सलमान खान के शो पर यू मस्ती करते आए थे नजर। जोकर के सीक्वल की तैयारी। वाकिन फिनिक्स ने साइन की 367 करोड़ की डील। MS धोनी के लिए कोच ने दिया बड़ा बयान। बोले IPL में धमाल मचा सकते हैं माही। महेंद्र सिंह धोनी ने 7:29 पर लिया था संन्यास और आज 7:30 पर करेंगे वापसी।